तो यार पर डे इस समय हमारे इंस्टाग्राम में कोई ना कोई मैसेज जरूर करता है कि भाई मैं पिछले 1 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, 2 साल से ब्लॉगिंग कर रहा हूँ और अब मैं इसको छोड़ रहा हूँ, क्योंकि भाई मैंने अभी तक इससे 1 भी रुपए नहीं कमाए हैं, उल्टा मेरे 5,000, 10,000, 15,000 या फिर 20,000 यहाँ पर लग चुके हैं। मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हूँ और मुझे अब यही लगता है कि भाई ब्लॉगिंग से इनकम अब ख़त्म हो चुकी है, ये डेड हो चुकी है, अब इससे पैसे नहीं बनाए जा सकते हैं। तो गाइज अगर आपका भी यही हाल है, आप भी ब्लॉगिंग करने वाले हो या कर रहे हो, ठीक है, और आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, डाउट कि मैं स्टार्ट करूँ कि ना करूँ 2023 में, क्या मुझे यहाँ पर कमाई होगी कि नहीं होगी, तो भाई इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आज हम आपके सारे डाउट यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। हमने यहाँ पर वो हर एक पॉइंट लिख कर रखा हुआ है जिससे भाई आपको चीज़ें सारी क्लियर होने में हेल्प मिलेगी। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलो उससे पहले हम आपके भाई डाउट क्लियर करें, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आप हमें पहली बार देख रहे हो तो मैं हूँ शुभम विश्वकर्मा और ये हैं शिवम विश्वकर्मा। तो दोस्तों बात यह है कि ब्लॉगिंग डेड हुई है कि नहीं, तो यह एक सिर्फ मिथ है। ब्लॉगिंग कभी डेड नहीं हो सकती है, क्योंकि जब तक इंटरनेट पर चीजें सर्च हो रही हैं तब तक ब्लॉगिंग चलती हो रहेगी। बस क्या है कि करने का तरीका चेंज होता रहेगा। आप खुद ही समझिए कि गूगल पर जितनी भी एडवर्टाइजमेंट चल रही है, क्योंकि गूगल का जो है मेन बिजनेस है एडवर्टाइजमेंट का, यदि वेबसाइट ही नहीं रहेंगे तो गूगल अपनी एडवर्टाइजमेंट दिखाएगा किस पे? भाई गूगल के पास अपना खुद का कंटेंट कुछ भी नहीं है, ठीक है, वो सारा जैसे हम आप ब्लॉगर होते हैं उन्हीं कंटेंट वो दिखाता है, और इसी वजह से भाई वो एडवर्टाइज से पैसा कमाता है, ठीक है। तो भाई जब तक गूगल है तब तक ब्लॉगिंग है, आप टेंशन मत लो, खत्म नहीं होने वाली है। बशर्ते प्रॉब्लम यहाँ पे हो रही है कि आप लोग या फिर जो नए ब्लॉगर होते हैं भाई वो गलत तरीके से ब्लॉगिंग को ले लेते हैं, ठीक है, वो सीखते नहीं हैं, और वो ज्यादातर जो यूट्यूबर्स आजकल मार्केट में आ गए हैं जो कि बता देते हैं कि यार इस नीश पे काम कर लो, बहुत आसान है, 2 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा, कॉपी पेस्ट, ठीक है, ये सब उसमें परेशान रहते हैं, ठीक है। तो वो यार एक बहुत गलत तरीका है, और इसीलिए भाई 100 में से 96 ब्लॉगर जो होते हैं वो यार फील्ड से आउट हो जाते हैं, वो कर कमा ही नहीं पाते। सोचने की बात, यदि डायरेक्ट तालाब में आपको फेंक दिया जाए और तैरना ना है तो क्या होगा? सीधा डूबना ही होगा। तो भाई यहाँ पर एक जो चीजें नियम से काम करती हैं, आप अपने जीवन का एग्जाम्पल ले लो, भाई आज आप यहाँ पर पढ़ लिख ले रहे हो चीजों को, तो उसके लिए आप बचपन से पढ़ाई कर रहे हो, आपने LKG, UKG, KG जो भी पढ़ा होगा उससे 12 तक आपने पढ़ाई करी, इंटर किया आपने, फिर आगे आपने डिग्री ली, ग्रेजुएट वगैरह हुए, पोस्ट ग्रेजुएट हुए, ठीक है, तब जाके आपको जॉब भी मिलती है, और जॉब के लिए भी आपको पहले प्रिपरेशन करनी पड़ती है, ठीक है, और आप एक बार एग्जाम क्वालिफाई भी कर लेते हो फिर भाई आपको ट्रेनिंग में भेजते हैं 6 महीने, 1 महीने, साल भर जो भी रहती है। तो भाई हर एक चीज एक प्रोसेस होता है, तो वो जो ब्लॉगिंग है भाई ये भी एक प्रोसेस है, एक ये भी एक डिग्री है, ठीक है, या इसको आप एज ए डिग्री लेके चलो, तो कि अगर आपको ब्लॉगिंग करना है तो पहले आपको उसे मेन फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे। भाई ना सक्सेस होने का रीजन बस यही है और कुछ नहीं है, ब्लॉगिंग डेट कभी नहीं हुई, नहीं आज भी डेट नहीं हुई है, लेकिन आपको उसको करने का जो सही तरीका वही नहीं पता है, तो कैसे कर पाओगे, ठीक है। तरीका आपको चेंज करना पड़ेगा, ठीक है, सोचना पड़ेगा। कोई भी आप कैटेगरी उठाते हैं, जैसे कि मैं अगर न्यूज की बात करूँ, न्यूज कैटेगरी में क्या है कि हर टाइप का कंटेंट होता है, ठीक है, तो क्या है कि आपको खुद से ऑडियंस पहले बिल्ड करनी पड़ेगी, तब जाके आपका जो न्यूज साइट है वो सक्सेसफुल होगा। तुम सोचोगे अगर गूगल से सर्च ट्रैफिक आ जाए तो भाई नहीं, उसमें आता ही नहीं, आपने एक नया डोमेन लिया उसमें अथॉरिटी है ही नहीं, कैसे आएगा? ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा गूगल की नजर पे, यूजर की नजर पे, तभी जाकर आपकी वो साइट चल पाएगी। तो ये करने का तरीका है, आप अपने कैटेगरी के हिसाब से चीजों को समझो कि नहीं हाँ इस कैटेगरी में हमें ऐसा काम करना पड़ेगा, पहले उसकी प्रॉपर प्लानिंग करो, ठीक है। और यदि आप अभी स्टार्ट ही कर रहे हैं, बिगिनर हैं, तो हो सकता है आपको वर्डप्रेस के बारे में नॉलेज ना हो, बस ऐसे ही भाई ऐसे ही नहीं करना कि बस आप आज आपको ब्लॉगिंग के बारे में पता चला, आज शाम को भाई आपने डोमेन होस्टिंग को परचेज कर लिया, कोई भी पता नहीं है, वर्डप्रेस कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी नहीं आता, ब्लॉग को डिजाइन करना ये भी नहीं आता, कुछ भी नहीं आता, बस डोमेन होस्टिंग परचेज करके बैठ गए और इससे मदद मांग रहे हो, उससे मदद मांग रहे हो कि भाई मेरा ब्लॉग सेटअप कर दो, ये कर दो। तो भाई आपको जब कुछ आता नहीं, ना आप ब्लॉग सेटअप कर पा रहे हो, ना आपको आर्टिकल लिखना आ रहा है, तो आप कैसे सक्सेस हो जाओगे बताओ? भाई कोडिंग भी बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि आप वर्डप्रेस का ही यूज करके काम चला सकते हैं, आपको तब भी कोडिंग सीखनी पड़ेगी, HTML, CSS, JavaScript, ये भी आपको आनी चाहिए बेसिक लेवल की, ठीक है, क्योंकि गूगल कहता है कि यदि आप अपनी कस्टम थीम यूज करते हैं, यानी कि यूनिक डिजाइन यूज करते हैं,
तो वो रैंकिंग में काफी जो है आपको हेल्प करता है यूनिक चीज का, ठीक है। और कस्टम कोड जब आप यूज करते हैं तो उससे क्या कि आपकी साइट लाइट वेट होती है, क्योंकि उसमें कुछ जितना काम का कोड है वही रहता है। वर्डप्रेस में क्या है, कुछ अनचाहे कोड भी रहते हैं क्योंकि हम प्लगइन में यूज करते हैं, थीम भी यूज करते हैं, तो उसके लिए आपको भाई बेसिकली सीखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट अब आगे बताने वाले हैं, इन्हीं चीजों को पहले सीख लीजिएगा, उसके बाद ही भाई आपको नीश सेलेक्ट करने की, मुझे किस नीश पे काम करना है, कीवर्ड रिसर्च करना है, उसके बाद ही मेन जो ब्लॉगिंग की भाई जड़ बोल लो, जो जड़ है अपनी, वो हम आपको भी बता देते हैं। तो भाई उन पर आपको पहले अपनी तैयारी पूरी कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद ही आप अपना ब्लॉगिंग में कदम रखना, डोमेन होस्टिंग को परचेज करना, उससे पहले आपको ऐसा लफड़े में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो एक एक करके यार हम लोग क्लियर कर देते हैं, यहाँ पर अच्छे से सुन लो, उनको समझ लो, उसके बाद ही आप यहाँ पर काम करना, आपको 100% सफलता यहाँ पर जरूर मिलेगी, ये गारंटी वाली बात पूरी है। तो यहाँ पे जो दोस्त हम पहला पॉइंट आपको बता रहे हैं कि आप सबसे पहले कोडिंग सीखिए, जिसमें से HTML, CSS, JavaScript बेसिक नॉलेज इसका ले लीजिए, फिर वर्डप्रेस पूरा सीख लीजिए, ठीक है। क्योंकि जब आप वर्डप्रेस पर भी वेबसाइट बनाएंगे तो आपको कई सारी मुश्किलें आएंगे, हो सकता है कोई एरर आपको जो कॉमन एरर वर्डप्रेस के है उसको भी फेस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्योंकि जब आप कोई राह चलते हैं तो वहां पर रुकावटें आएंगी ही आएंगी, आपको रोड़े मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो उनसे कैसे बचना है वो चीज आपको पता होना चाहिए। तो पूरा वर्डप्रेस सीखिए, तो पहले आपको एक पूरा मतलब बेसिकली जहां पर अपना एक ब्लॉग बनाओगे जिस पे उस पे चाहे कोड हो गया अपना चाहे वर्डप्रेस हो गया, हाँ। आपको ये सीखना है, ये आप ध्यान में रख लो। आप किसी से बोल रहे हैं कि भाई मेरा ब्लॉग सेटअप कर दो, ये कर दो, कुछ नहीं, आप जानते हो कि मुझे कैसे डिजाइन देनी है, ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई आपको अपने पूरा हिसाब डिजाइन करना आना चाहिए, ठीक है। तो पहले तो ये सीखो, देन दूसरे नंबर भाई आपको कंटेंट राइटिंग सीखनी है, क्योंकि ब्लॉग का सबसे मेन मेथड आता है भाई कंटेंट राइटिंग। आपके जो ChatGPT आ गए इनसे काम नहीं चलने वाला है, आपका एक अथॉरिटी ब्लॉग बना हुआ है, पहले से उस पर ट्रैफिक आ रहा है, तब आप किसी से भी लिख के डाल दोगे वो चल जाएगा। लेकिन जब आप एक नया ब्लॉग यहाँ पर करते हो तब वहाँ पर भाई हर एक चीज देखी जाती है, ठीक है। तो ये आपको प्रॉपर पता हो जाए कि नहीं मुझे किस हिसाब से कंटेंट यहाँ पर लिखना, ताकि यूजर फ्रेंडली रहे, गूगल फ्रेंडली रहे, एडवर्टाइजर फ्रेंडली रहे, सब कुछ यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा। तो भाई आपको अपना प्लेटफॉर्म आना चाहिए, कंटेंट राइटिंग बहुत जरूरी है ब्लॉगिंग अगर करना चाहते हो तो आपको ये सीखनी ही सीखनी है, ये आप दिमाग में बिठा लो। और जो तीसरा पॉइंट है वो है SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये आपको आना चाहिए, ठीक है। और ये भी अपडेट होता है धीरे धीरे गूगल, क्योंकि बहुत फास्ट अपडेट ला रहा है इस समय पे, ठीक है, क्योंकि टेक्नोलॉजी काम है अपडेट लाते रहना, तभी चीज वो सक्सेसफुल रह सकती है, नहीं तो हैकर उस चीज को हैक कर लेते हैं। तो इसीलिए भाई SEO भी अपना ध्यान दो, SEO का अगर आपको आ गया एक बार तब भाई आसानी से आप अपने ब्लॉग को रैंक करवा सकते हो, और ऑर्गेनिकली ही भाई आप उसको अपना एक टाइम के साथ में वहां पर उसको ग्रो कर ले जाओगे। तो भाई SEO भी आपको यहाँ पर सीखना ही है, आप भले करो चाहे ना करो, लेकिन आपको आना चाहिए अगर ब्लॉगिंग फील्ड में हो तो, ठीक है। चौथा पॉइंट है दोस्तों वो है मार्केटिंग, ब्लॉग का प्रमोशन, ठीक है। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हैं तो उसका प्रमोशन आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि आप प्रमोशन करते हैं तो आप जो है किसी कस्टमर के पास पहुंच रहे हैं, तो वहां से धीरे धीरे आपकी ऑडियंस बिल्ड होती है। तो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग करिए, फॉरम पे जाके मार्केटिंग करिए, मल्टीपल तरीके, बहुत सारे तरीके हैं। जब आप एक नए हो बिगिनर, तो आपको बस यही ध्यान में रखना है कि आप कहां कहां से ट्रैफिक ड्राइव करके अपने ब्लॉग पे ले जा सकते हो। हर तरीके से दिमाग लगाओ, अगर आप यूट्यूब के थ्रू ले जा सकते हो तो यूट्यूब के थ्रू ले जाओ, इंस्टाग्राम के थ्रू ले जा सकते हो तो इंस्टाग्राम के थ्रू ले जाओ, फेसबुक के थ्रू लेना चाहते हो तो फेसबुक के थ्रू ले जाओ, कोयरा हो गया, प्रिंटरेस्ट हो गया, बहुत सारे हैं। तो वहां पर आपको वहां पर आपको अपना भाई प्रेजेंस कैटेगरी के हिसाब से देखिए कहां से आप ट्रैफिक चीज ला सकते हैं, ओके। तो इस चीज को देखिए, तो भाई शुरू के टाइम पे आप ये दिमाग में बिठा लो कि आपको मार्केटिंग में दिमाग लगाना है अपना, प्रमोशन में दिमाग लगाना है कि कहाँ कहाँ से आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हो, जहां से आपको मिल जाए वहां से ले जाओ। और SEO तो आपको साइड बाय साइड करते रहना है, तो SEO से भी अपना आपका ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी एक टाइम पे बाद यहाँ पर आने लगेगा। तो ये भी हो गया, और पांचवें नंबर पे फिर आपका आता है भाई रिसर्च, चाहे फिर वो नीच रिसर्च हो गया, फिर चाहे वो कीवर्ड रिसर्च हो गया। ये जो चारों चीजें हैं भाई, इनको सीख लोगे उसके बाद ही आपको इस काम पे आना है। लोग क्या गलती करते हैं, वो भाई ब्लॉगिंग के बारे में जानते हैं, दिन यहाँ पर तुरंत जाकर के बस रिसर्च करने लगते हैं नीच के बारे में, कीवर्ड के बारे में, कि मैं किस पर ब्लॉग बना लूं भाई, कम अपना कंपटीशन रहे और ज्यादा सर्चेज मिले, उस पर लग जाते हैं। और भाई ये इतना आसान भी नहीं होता, ठीक है, सही बताऊं, अगर आपको भाई कंटेंट राइटिंग अच्छे से नहीं आती, SEO नहीं आता, वर्डप्रेस वगैरह पे काम करना अच्छे से नहीं आता, ये सब में नहीं आता, तब कहीं ना कहीं रिसर्चिंग में आपको काफी दिक्कत जाने वाली है, ठीक है। तो मेक श्योर पहले आप भाई चारों चीजें अपने जो हमने आपको बताया है इनको दिमाग में बिठा लो, इनको अच्छे से सीख लो, उसके बाद आपको फिर बैठना है नीश और कीवर्ड रिसर्च करने में, ठीक है ना।
इस जवाब पे इसका रिसर्च करोगे, उसके बाद फिर आप अपना ब्लॉग बनाना है, और ब्लॉग बनाने के बाद भाई इसमें ताबड़तोड़ काम करना है। हाँ। और फिर उसके बाद भाई सफलता आपको मिलेगी ही, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, ये मान चलिए पांचों में से किसी एक स्किल पे आपने अपनी मास्टरी कर ली, तो आप ब्लॉग तो साइट में रन कर ही पाएंगे, साथ में बाद में भाई इनकी आप सर्विसेज भी दे सकते हो, सर्विस भी दे सकते हैं, जॉब भी आप ले सकते हैं, इनमें आप जॉब भी कर सकते हो, सर्विसेज भी दे सकते हो, सबसे ज्यादा फायदा तो ये है। हाँ, वहाँ से आपकी अर्निंग आने लगेगी। ठीक है, तो आपका प्राइमरी सोर्स वो बन जाएगा, सेकेंडरी सोर्स ब्लॉगिंग बन जाएगा। तो इस टाइप से आप काम करिए, क्योंकि ये देखो ये स्किल है, ठीक है, हाई स्किल है, प्रोफेशनल वाली इसके लिए, इसको वैसे मत लेकर चलिए। वर्डप्रेस की बात करें तो यार, अगर वर्डप्रेस आपको आ रहा है ना, और आज डेट में अगर आप यूएसए वगैरह से क्लाइंट उठा रहे हो वेबसाइट डिजाइनिंग के लिए, तो पता है कि एक वेबसाइट आपको कितना मिल जाता है भाई, $500 से लेकर $1,000 तक, मतलब भाई ₹50,000 से लेकर के ₹80,000-90,000 तक आपको सिर्फ एक वेबसाइट का मिल जाता है, जो कि बहुत होता है। और कोई भी वेबसाइट हो यार, नॉर्मल की बात करूँ जो बिजनेस वेबसाइट वहाँ पर बनती हैं, तो 2 से 3 दिन के अंदर आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और 2 से 3 दिन में भाई अगर ₹90,000 मिल जा रहा है, तो भाई एक बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पर होता है, खास करके हम इंडियंस के लिए भाई वर्डप्रेस का यूज करके आप इजीली बना सकते हैं। तो सीखने में आप पीछे मत हटो भाई, आपको जो ये गुण होगा ना, आपको ये ज्ञान होगा, ये वेस्ट नहीं आने वाला है, ये आपको पैसा देगा ही। ब्लॉगिंग से तो कमाओगे ही, ब्लॉगिंग नहीं करनी, मजे नहीं आ रहा, उसको छोड़ साइड में करके आप इसकी सर्विस देकर के भी पैसा कमा सकते हो। यही हाल अपना SEO का भी है, यही हाल अपना नीश रिसर्चिंग का भी है, यही हाल अपना जो अपना मैंने आपको बताया कंटेंट राइटिंग का भाई भी है। टूल वेबसाइट बहुत सारी है, उस वेबसाइट उसकी तरफ ही आप जा सकते हैं। ठीक है, वहां पर भी आपको कोडिंग की नॉलेज होनी चाहिए, और कंटेंट वहां पर भी आपको लगेगा रैंक। तो एक बार भाई अपने आपको स्पेशलिस्ट बना हुआ, ठीक है, चाहे जिसी काम में भी आपके पास अगर एक्सपर्टीज है, आपके पास गुण है, तो भाई लोग आपके पास खींचे हुए चले जाएंगे। लेकिन आपके पास कोई स्किल नहीं है, कुछ आप जानते नहीं हो, तो भाई तो फिर लोग क्या ही देखने आपको आएंगे। भाई पहले लर्न करो, उसको इम्प्लीमेंट करो, अर्न करो। सीधा एग्जांपल आप हमें से ले सकते हो, अगर भाई आप हमें कुछ ना समझते होते, आपको हमारी बातें ना अच्छी लग रही होती, तो फिलहाल वीडियो 14 मिनट की हो गई है, तो आप अभी तक हमको देख ना रहे होते, आप छोड़ जा चुके होते। तो कहीं ना कहीं हमने आपको चीजें बताई हैं, यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं, तभी आप इस वीडियो को भी देख रहे हो। ठीक है, तो यही है अपने अंदर की, आप इसको पहचानो, उसको निखारो, वहां पे काम करो, पैसे कमाने के मेथड तो बहुत सारे आ जाएंगे। ठीक है, हर तरीके से आप अपना पैसा कमा सकते हो, तो यही समझाना था। तो बस ये दिमाग से आप हटा दो कि भाई ब्लॉगिंग डेड हो चुकी है, इसमें पैसे नहीं बनते हैं, ये टोटली रॉन्ग है भाई, पैसे खूब बनते हैं और ब्लॉगिंग कभी डेड नहीं होने वाली है। यूट्यूब का कंटेंट भाई ब्लॉगिंग से ही चलता है, तो उसके लिए आप टेंशन मत लो, ब्लॉगिंग आप आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो बस फटाफट से भाई आप अपने चीजों मैंने आपको बताया है उनको सीखो। तो भाई हमने भी अपने चैनल पर बहुत सारे यहाँ पर दे के रखे हुए ट्यूटोरियल, तो आप लोग जाकर उनसे भी सीख सकते हो। आने वाले टाइम हम यहाँ पर और भी डाल देंगे, और बाकी चैनल भी आपको सिखाते हैं। तो भाई जहाँ से आपको ज्ञान मिल जाए, आप उसको ले सीखो, और उसके बाद भाई इम्प्लीमेंट करके अपना काम करो। तो भाई रखते हैं इस वीडियो को, बस इतना ही, काफी बड़ी यहाँ पर वीडियो हो गई है। और चलो, आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा, उसका जो फीडबैक है आप कमेंट में हमें जरूर दीजिएगा। और वीडियो कर दो भाई लाइक, और मेन काम चैनल को भाई सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दो, और साथ में भाई बेल आइकन यहाँ पर ऑल पर जरूर सेट कर देना, ताकि भाई हम अगले जब कोई वीडियो डालें अच्छी आपके नॉलेज रिलेटेड, तो भाई उसकी भी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले वहाँ पर मिल पाए, और आप उसका फायदा उठा पाओ। और आने वाली वीडियो किस टॉपिक पर बने कमेंट में आप हमें वो भी आप कमेंट कर देना है। ठीक है, तो भाई हम आपको भी बना करके दे देंगे। हाँ। तो रखते इस वीडियो को बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए आप जहां रहिए खुश रहिए, और थैंक्स फॉर वाचिंग, बाय बाय।